नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि मैं आज आपको ऐसे मदरबोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा जो सादा है और 4K मदरबोर्ड है। सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन एक बोर्ड मेरे सामने ऐसा है आज आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि उसे आप देखेंगे आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल में इस तरह के मदरबोर्ड बड़े कम आए हुए हैं मार्केट में, और ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ऐसा भी मदरबोर्ड होता है कि जो सादा होते हुए भी 4K है। तो अब सवाल यहाँ ये होता है कि सादा और 4K में अंतर क्या होता है? कुछ विशेष अंतर नहीं होता है। सादा मदरबोर्ड के भी प्रिंसिपल सिमिलर वही होते हैं जो 4K मदरबोर्ड के प्रिंसिपल होते हैं। बस उसमें सिर्फ अगर फर्क होता है तो सादा मदरबोर्ड में से LVDS सिग्नल निकलते हैं और 4K मदरबोर्ड में से B/1 सिग्नल रिलीज होते हैं। तो आइए देखते हैं इस मदरबोर्ड के बारे में विस्तार से। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं और यहाँ आप देख पाएंगे, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। तो देखें, यही मदरबोर्ड है वो। इस मदरबोर्ड को आप देखें, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तब समझ में आएगा। दरअसल में वैसे तो ये 4K मदरबोर्ड जैसा ही दिख रहा है, लेकिन बताना चाहूँगा ना ही ये स्मार्ट है और ना ही ये 4K है। देखें, स्मार्ट मदरबोर्ड जो होते हैं उसमें एक यहाँ चिप लगी रहती है जो वाईफाई के लिए होती है और लैन कनेक्शन लगे रहते हैं, लेकिन इसमें ना ही कहीं पर लैन कनेक्शन है और ना ही कोई वाईफाई की चिप लगी है। ट्यूनर का सेक्शन ये देख पा रहे हैं आप, ट्यूनर का सेक्शन यहाँ दिया हुआ है। 2 HDMI की जगह पे 4 HDMI दिया हुआ है, 2 RCE इनपुट दिया हुआ है, लेकिन कहीं पे भी आप वाईफाई से संबंधित या इंटरनेट से संबंधित कोई भी इसमें कंपोनेंट आप नहीं देख पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसकी पुष्टि कैसे होगी कि ये 4K मदरबोर्ड है? और दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि मदरबोर्ड देख करके ये कैसे पता चल जाए कि वो मदरबोर्ड 4K है या साधारण मदरबोर्ड है। साधारण मदरबोर्ड की श्रेणी में मैं 2K के सारे मदरबोर्ड को कहता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा HD रेडी मदरबोर्ड, Full HD मदरबोर्ड, तो ये सारे मदरबोर्ड 2K हैं और ये साधारण मदरबोर्ड के श्रेणी में आते हैं। अब ये पता कैसे चले कि कौन सा मदरबोर्ड 4K है? और यहाँ तो ना ही वाईफाई का कनेक्शन का कोई टर्मिनल दिख रहा है और ना ही यहाँ पे लैन कनेक्शन का सॉकेट दिख रहा है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 4K मदरबोर्ड है? तो आज आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि आपको मदरबोर्ड देखने से कैसे मालूम पड़े कि वो 4K मदरबोर्ड है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी मदरबोर्ड होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा कि पैनल के लिए जो वायर निकलता है, जो बेल्ट निकलता है, वो हर मदरबोर्ड में होता है। अब सवाल ये है कि वहाँ के लिए कौन सा सिग्नल रिलीज हो रहा है? क्या वहाँ से कई टाइप के सिग्नल रिलीज होते हैं? जी नहीं, वहाँ से अभी तक 2 ही टाइप के सिग्नल देखने को मिले हैं, एक LVDS सिग्नल और दूसरा B/1 सिग्नल। तो इस सिग्नल से पता चलता है कि आपका मदरबोर्ड 2K है कि 4K है। तो आए मैं दिखाता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चल सके, आपको इस पहचान के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। तो देखें, माइक्रोस्कोप पे थोड़ा सा रुक करें, यहाँ देखें इस मदरबोर्ड को मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। इसके LVDS वाली जगह को यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो LVDS वाली जगह को आप देख पाएंगे। देखें, मैं सेट कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे देखें लिखा है B/1, आप देख पा रहे हैं यहाँ ये सॉकेट। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, यहाँ स्क्रीन पे आप देखें, माइक्रोस्कोप से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये LVDS का सॉकेट है जो जहाँ पे बेल्ट लगता है पैनल में, जो कनेक्शन होता है मदरबोर्ड से, उस कनेक्शन वाला ये सॉकेट है। अब इसी से पैनल की कनेक्टिविटी होती है। अब यहाँ दो चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। पहली चीज़ तो ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें कितने पेयर हैं। तो देखें यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पेयर आपको दिख रहे हैं। ये पेयर एक्स्ट्रा होके जा रहा है, आप देखें। इस पेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ,
आठ पेयर यहाँ जा रहे हैं। अब आपको बताया गया है कि चार पेयर या आठ पेयर 4K में जाते हैं, तो यहाँ एक तो ये पुष्टि हो रही है। और दूसरी बात आप देखें, यहाँ B/1 लिखा हुआ है, सिग्नल के नाम लिखे हुए हैं B/1। तो B/1 सिग्नल 4K मदरबोर्ड से रिलीज होता है, किसके लिए? 4K पैनल के लिए। अब यहाँ पे आप 2K पैनल नहीं लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे 2K पैनल लगाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि 2K पैनल को LVDS सिग्नल चाहिए होता है। तो इससे ये पुष्टि होती है कि ये 4K मदरबोर्ड है। अब दूसरी बात यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा, इसका मतलब कि जो दूसरे मदरबोर्ड होते हैं वहाँ पे इस जगह पे LVDS लिखा आता होगा, जाहिर सी बात है। तो आए देखते हैं कि जो ये मदरबोर्ड आते हैं V56 U11 पतंजलि वाले, देखें यहाँ LVDS लिखा है, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे देखें आप, ये आपको कनेक्शन दिख रहा है कौन सा, LVDS जहाँ लगता है वो। और देखें यहाँ LVDS स्पष्ट रूप से, LVDS अर्थात यहाँ से LVDS सिग्नल रिलीज होंगे। वहीं पे दूसरे मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये देखें, ये एक 4K मदरबोर्ड, ये एंड्रॉयड मदरबोर्ड है, देखें आप। अब एंड्रॉयड मदरबोर्ड है तो अब यहाँ पे भी LVDS लिखा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये भी 2K सेट में ही लगेगा। तो आए देखते हैं इस माइक्रोस्कोप में कि क्या यहाँ पे भी इस जो कनेक्शन है मदरबोर्ड का पैनल के साथ में, वहाँ पे भी LVDS लिखा हुआ है। देखें आप, यहाँ आप देख पा रहे हैं LVDS। अब यहाँ इस बात की पुष्टि होती है कि जो ये मदरबोर्ड हमने दिखाया आपको, ये सादा मदरबोर्ड है, लेकिन फिर भी ये 4K आउट कर रहा है। तो अगर किसी को एंड्रॉयड और स्मार्ट की ज़रूरत नहीं हो और उसका सेट 4K हो, तो ये मदरबोर्ड लगाकर उस सेट को ओके कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणकम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई बैच। मैं बताना चाहूँगा कि LCD LED रिपेयरिंग की इच्छा रखने वाले जो भी भाई हैं उनके लिए एक बेहतरीन खबर है। खबर ये है कि आप देश के किसी भी कोने से हैं, जुड़े आप हमारे साथ। LED नॉलेज बैंक के हार्ली LED ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने फिर से एक नया बैच लॉन्च किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू हो रहा है। 15 मई से जिस बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद 15 जून से शुरू होगी पैनल की स्पेशल बैच, जिसमें आपको पैनल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सॉल्यूशन बताए जाएंगे। साथ में बताना चाहूँगा कि इस बार हम अपनी क्लास हार्ली LED नॉलेज बैंक एप्लीकेशन, जो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ पे आपकी क्लास होगी। तो जुड़े आप, देश के किसी भी कोने से हैं आप, जुड़े हमारे साथ, LED नॉलेज बैंक के साथ जुड़ें और इम्प्रूव करें अपने नॉलेज को। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस रिपेयरिंग के सेक्टर में अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आती है कि उस वस्तु के बारे में आप कितना जानते हैं। जब तक आप हर आईसीओ के प्रिंसिपल, हर आईसीओ के आपसी संबंध, सर्किटों के समन्वय के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, वहाँ तक किसी चीज़ को ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए हम शुरू कर रहे हैं अब की बार फिर से एक पैनल की नई बैच, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 15 तारीख से। आप देश के किसी भी कोने से हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दूर दराज के लोगों की एक शिकायत होती है कि सर गुजरात इतना दूर है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन क्लास लेने की इच्छा होती है, और इसीलिए हम ऑनलाइन के इस कॉन्सेप्ट में सबको जोड़ते हैं। और हजारों लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में जुड़ करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया है। आपको उनके फीडबैक देखने हो तो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, आप उनके फीडबैक देखने हो तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि LED LCD का मसला इतना कंफ्यूजन भरा है कि अगर आप उसके बारे में बेहतर नॉलेज नहीं रखते हैं तो चीज़ों को ठीक करने के बजाय वो खराब हो जाती हैं।
और इन सारी चीज़ों को आप समझ सकें, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस ला पाएं अपने लाइफ में, अपने काम में, इसके लिए जुड़े आप हार्ली एलईडी नॉलेज बैंक के साथ, हार्ली एलईडी के पैनल बैच के साथ जो शुरू होने जा रहा है 15 जून से। तो आप सभी लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।